तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी ऑफ 2021। तो देखो, इस साल काफ़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई, उसमें से कुछ मूवीज़ सिनेमा में तो कुछ ओटीटी पे रिलीज़ हुई। जो भी मूवी रिलीज़ हुई है थिएटर में, भले से वो 5 करोड़, 10 करोड़, कितना भी करोड़ कमाया हो, उन फिल्मों ने थिएटर को सपोर्ट किया। इसके लिए हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आती है पुष्पा द राइज। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 354 करोड़ का हो चुका है, और इसके बजट की बात करें तो इसका बजट अप्रॉक्स 200 करोड़ का है। तो बढ़ते सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आती है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 295 करोड़ का था और बजट लगभग 200 करोड़ का था। बढ़ते थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर आती है थलापति विजय की मास्टर। तो बात करें मास्टर की, तो मास्टर का बजट 135 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 करोड़ के अप्रॉक्स था। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर आती है 83 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 184 करोड़ का था, और इसके बजट की बात करें तो बजट था इसका 200 करोड़। आते हैं फिफ्थ नंबर पर, तो फिफ्थ नंबर पर आती है रजनीकांत सर जी की अनाथे, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 239 करोड़ का था, और बात करें बजट की तो इसका बजट 140 करोड़ का था। और बढ़ते हैं सिक्स नंबर के, सिक्स नंबर पर आती है वकील साहब। तो ये मूवी जब रिलीज़ हुई थी तब थिएटर्स ओपन थे, पर कुछ ही वीक के अंदर थिएटर क्लोज हो गए, जिसकी वजह से ये मूवी अपने पोटेंशियल पे कलेक्शन नहीं कर पाई। फिर भी इस मूवी का कलेक्शन 137 करोड़ का था और बजट 90 करोड़ का था। बढ़ते हैं सातवें नंबर पर, तो सातवें नंबर पर आती है अखंडा। तो इस मूवी का बजट जो है 60-70 करोड़ का था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 150 करोड़ का था। तो एट्थ पोजिशन पर आती है डॉक्टर, तो इसका बजट 40 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 101 करोड़ का था। तो नाइन्थ पोजीशन पे आती है उपेना, जिसका बजट 25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 96 करोड़ का था। और बढ़ते हैं टेंथ पोजीशन पे, तो टेंथ पोजीशन पे मैं दो मूवी को रखना चाहूँगा, क्योंकि इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं मिले। तो एक है मनाडू और कुरूप। तो इन दोनों मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ का है। तो अगर मैं बात करूँ स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो स्पाइडरमैन नो वे होम को मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करूँ तो ये मूवी अभी तक 1.7 बिलियन तक पहुँच चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो बात करूँ इसके इंडिया कलेक्शन के बारे में, तो इंडिया का कलेक्शन 212 करोड़ के लगभग है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बाय।